आज हम बात कर रहे हैं पास्कल्स ट्रायंगल की। पास्कल्स ट्रायंगल पास्कल ने बनाया था और एक ये ट्रायंगुलर दिखता है, इसलिए इसको पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए ट्रायंगल कैसे दिख रहा है, ये जो शेप आपको दिख रही होगी अगर इसकी आउटलाइंस हम देखें तो ये एक ट्रायंगल जैसी दिख रही है, या इस शेप को भी अगर देखें तो ये एक इस तरह से ये एक साइड है, ये वाला इसका बेस हो जाएगा और ये स्लांटेड दूसरी साइड हो जाएगी, तो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है इसके, इसलिए पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। बेसिकली बेस्ड है नंबर सिस्टम पर, नंबर्स के साथ कुछ गेम्स है इसके अंदर और उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए इस वाली जो शेप है इसमें अगर इस एक को ले तो ये हेक्सागोनल शेप है, इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड से, इसमें 6 साइड से एक हेक्सागोनल शेप बन रही है। उसी हेक्सागोनल शेप की दो साइड्स का उपयोग करके नीचे दो हेक्सागोनल शेप ऐड करिए और इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन वो बढ़ती जाएगी। वो इस तरह से यहाँ पर एक स्क्वायर लिया है और स्क्वायर को भी बढ़ाया है, तो यहाँ पर भी अगले में दो स्क्वायर हो जाएंगे, फिर तीन हो जाएंगे, फिर चार हो जाएंगे। तो आप चाहें तो स्क्वायर से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर आप हनीकॉम्ब लाइक जो शेप होती है या फिर हेक्सागोनल शेप्स होती है उससे समझ सकते हैं। दोनों ही पास्कल्स ट्रायंगल का अच्छा एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो हम पहले स्क्वायर से लेकर समझते हैं। देखिए इस स्क्वायर में जो पहले खाली दिख रहा था मैंने साइड में सब जगह 1 1 पुट किया है, जो लास्ट के जितने भी स्क्वायर से, अच्छा मैंने इसको लिया है यहाँ तक, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, तो लास्ट के जो स्क्वायर से या जो ब्लॉक से उसमें मैंने 1 1 पुट करा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 1। अब जो अगला आएगा मतलब ये जो 1 है और ये 1 है, इन दोनों से यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, उनका सम आ जाएगा, तो ये थर्ड वाला जो होगा इसका ये ऐसे फिल हो जाएगा, फिर ये इन दोनों का सम यहाँ आएगा, इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा। देखते एक एक करके किस तरह से आया होगा ये। अब आप देखिए ये जो 1 था और ये दोनों 1 था, इससे 2 आ गया, या फिर यहाँ देख लीजिए आप 2 और 1 मिलकर ये 3 हो जाएगा, ये 2 और 1 मिलकर यहाँ 3 हो जाएगा, लास्ट में दोनों जगह 1 पहले से लिखा हुआ है, फिर ये 3 और 1 मिलकर ये 4 हो जाएगा, 3 3 मिलकर ये 6 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, ये मैंने बनाया हुआ रेड कलर से, यहाँ पर इन दोनों का सम 6 होगा। या फिर यहाँ देखिए 5 और 1 विल गिव अस 6, 10 और 5 विल गिव अस 15, 10 10 20, 10 5 15 और फिर ये 6 इस तरह से, तो यहाँ पर 6 15 20 15 6 1 और इस तरीके से आगे अगर होता तो क्या होता, 15 और 6 का एडिशन नीचे आ जाता, 15 और 20 का एडिशन नीचे आ जाता और इस तरह से चलता रहता। इसी को अगर हम देखें हनीकॉम वाले शेप में या हेक्सागोनल शेप्स में, तो मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो अब आप देख सकते हो 1 और 1 का सम यहाँ पर 2 आ जाएगा, या फिर 2 और 1 का सम यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये वाले 2 और 1 का सम यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से, ये देखिए आप मैंने इस 1 और 1 का सम यहाँ पर 2 लिखा है, 2 और 1 का सम 3, 2 और 1 का सम अगेन 3, अब 3 और 1 मिलकर यहाँ पर 4 बनाएगा, 3 3 मिलकर यहाँ 6 आएगा इस जगह पर और यहाँ पर 4 आएगा, देखिए, और इस तरीके से इसको आगे मैंने बढ़ाया है, ये 4 6 4 आ गया, 6 और 4 मिलकर 10 बनाएगा, ये 6 और ये 4 मिलकर ये वाला 10 बनाएगा, 4 और 1 मिलकर ये वाला 5 बनाएगा। तो इस तरह से पास्कल्स ट्रायंगल के जो नंबर्स है वो आगे बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ, जैसे जैसे हेक्सागोनल शेप्स बढ़ती जाएगी नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 हेक्सागोनल शेप्स है, 6 नंबर है, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से नंबर्स बढ़ते जाएंगे हेक्सागोनल शेप्स के और उसमें नंबर्स हम पुट करते जाएंगे। तो ये तो अभी तक जो हम देख रहे थे, ये जो पहले देखा है तो सिर्फ एडिशन का था कि किस तरह से नंबर की फिलिंग करना है, बट आफ्टर फिलिंग द नंबर्स, जब इसमें बहुत सारे नंबर्स की आ चुके हैं, सारे के सारे ये हेक्सागोनल शेप्स फिल हो चुके हैं, तब उसके साथ पास्कल्स ने क्या मैजिक करा या क्या चीज उसने ऑब्जर्व करी वो अब हम देखते हैं। देखिए ये तो आपको दिख रहा होगा 1 1 सब पहले से भरा, ये 2 इन दोनों 1 का एडिशन है, ये 3 2 और 1 का एडिशन है, ये 2 इन दोनों का सम था। अब इसमें अगर एक सर्कल बनाए हम तो ये जो 6 शेप को यहाँ पर ये ले रहा है, ये देख रहे हैं आप जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये 6 शेप और इसके सेंटर में क्या है 2, तो अगर हम एक छोड़कर एक शेप को उठाएं, जैसे 3 लिया 1 लिया और 1 लिया, तो मैंने ग्रीन कलर से इसको एन सर्कल किया हुआ है, फिर यहाँ से ये 3 लिया, ये 1 लिया और ये 1 लिया, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 × 1 इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जो रिमेनिंग जो दूसरे जो एनसर्कल्ड वैल्यूज थी उनके, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है 3 3। तो ठीक है ये थोड़ा स्टार्टिंग में था, जरा दूसरा कोई उठा के हम लोग देखते हैं। तो इस वाले में आप देख रहे हैं 10 को सेंटर में लिया और अगेन मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में फिर से कितने हेक्सागोनल शेप्स आएंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, तो एक छोड़कर एक नंबर मुझे उठाना है, देखिए यहां से मैंने ये 10 को ग्रीन करा, 15 को करा और 4 को करा, तो तीन वैल्यूज आ गए 10 15 4, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, तो इन दोनों को मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10 15 4 प्रोडक्ट में लिख दिया। दूसरे जो तीन और बचेंगे क्योंकि 6 शेप थे, तो 6 20 एंड 5 ये यहाँ लिख दिया, 6 20 एंड 5।
जब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो 600 आएगा, इसका प्रोडक्ट करूंगा तो भी 600 आएगा। दैट मीन्स कि जब इस तरह से हम एक पास्कल ट्राइंगल बनाते हैं, वेदर इट इज एग्जागोनल शेप और इट इज स्क्वायर, उनके एक सर्कल किसी भी सर्कल को हम उठाएं बाई कीपिंग वन वैल्यू इन द सेंटर, तो जो वैल्यूज आएगी वो 6 आएगी एक तो, और उनका अगर एक छोड़कर एक वैल्यू का उठाए जैसे हमने यहां करके देखा, तो उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल आएगा ऑलवेज। अब आप चाहे तो इसका और कंटिन्यू कर सकते हैं, आप यहां 5 को सेंटर में लेकर इन 6 वैल्यूज के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप करके देख सकते हैं। तो ये जो एक था पास्कल ने अपनी तरफ से दिया कि आप किस तरह से पास्कल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। एक और देखिए, इसी हेक्सागोनल शेप के साथ में मैंने एक लाइनिंग खींची है, मींस आप अपना कोई पैटर्न इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पर सारे 1-1 है, इस लाइन के साथ चले अगर तो ये 1-2-3-4-5 है, ठीक है। यहां देखिए 1-3-6-10 है, तो क्या यहां तो एक पैटर्न था कि सारे 1-1 है, यहां एक पैटर्न था कि ये काउंटिंग है 1-2-3-4-5-6-7-8 ऐसे चलता जाएगा आगे। बट यहां पर हम देखें तो 1 फिर 3 है फिर 6 है फिर 10 है, तो यहां क्या पैटर्न आ रहा है ये आप सर्च करिए। देखिए इसमें 1 में 2 ऐड कर दिया 3 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, तो 10 में अगला क्या ऐड करेंगे 5, तो यहां पर 15 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहां पर 2-3-4-5-6 इनका एडिशन होता जा रहा है हर कंसेक्यूटिव ब्लॉक में या फिर अगले हेक्सागोनल शेप में। यहां 1-4-10 है, इसमें क्या है, तो देखिए मैंने इसको कैसे फाइंड आउट करा है, ये आप देखिए, ये तो 1-1 थे सब में, मैंने बताया ये काउंटिंग है 1-2-3-4-5 एंड सो ऑन। अगले वाले में एडिशन ऑफ किसका 2, मतलब हर ब्लॉक में 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड होगा इसमें, फिर इस वाले में 4 ऐड होगा, इस वाले में 5-6 और कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड होते जाएंगे। यहां देखिए 1-4-10, तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में एडिशन ऑफ 3-6-10-15-21-28-36-45 इस तरह से चलता जाएगा। मतलब सबसे पहले 1 में क्या ऐड करा 3-4 आया, फिर 4 में क्या ऐड करेंगे हम ये वाला 6, तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अगले नंबर के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 10, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अगले नंबर में 15 ऐड करूंगा 35 आएगा, तो ऐसे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या कोई 3-6-10-15-21 इसमें मुझे कोई कॉमन चीज नजर आ रही है, तो ये एक सीरीज है, मैथमेटिकल सीरीज। इसमें क्या हो रहा है, हर एक में जो डिफरेंस है वो फिक्स है, जैसा ऊपर था 3-4-5-6-7-8, तो यहां पर नंबर्स के अंदर एक और पैटर्न आया। तो आप इस तरह का पैटर्न 1-5 इस वाले में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो पास्कल्स का ट्राइंगल है, जो हम आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे पैटर्न इसके अंदर आ सकते हैं। मैं इसका एक ब्रॉड रूप आपको बताता हूँ, एक पास्कल्स ट्राइंगल का जो मैंने बनाया है, आप इसमें देखिए, आप फाइंड योर ऑन नंबर पैटर्न, सो यू कैन फाइंड एनी नंबर पैटर्न विच सूट टू यू, जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आप कितने तरह के क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। अभी देखिए आप जैसे 1-3-6-10-15-21-28-36-45 और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे इसमें जब आप इसको बनाएंगे, और इस तरीके से कितने ही आप वैल्यूज को इसमें देख सकते हैं। मैंने एक और एग्जांपल ये वाला लिया था, यहाँ पर इसको एन सर्कल बनाया 6 शेप को और बीच में 10 रखा, तो इनमें भी एक छोड़ के एक कसम अगर प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो एक ही वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स के आपके पैटर्न्स आप बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस पास्कल्स ट्राइंगल। तो ये TLM आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस तरह का था ये पास्कल्स ट्राइंगल, और इसको लेकर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ और शेप्स अगर आप निकाल पाए, कुछ नए नए पैटर्न्स अगर आप बना पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।